जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान एक दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। वह वीडियो में कह रहे हैं कि मेरे माता पिता और मेरे भाई हमें बहुत परेशान कर रहे हैं और दो बेटियां होना क्या गुनाह है कि अपर कलेक्टर ने भी हमें डरा धमका कर कहा कि तुम बाहर निकलो। यह पूरा मामला इंदौर से निकल कर आ रहा है और इंदौर के एक दंपत्ति ने वीडियो में इतना ही कहकर बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसके दौरान पत्नी को तो मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पति को MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले दोनों जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे थे और यहां उन्होंने इस बड़े घटना को अंजाम देने की बात भी कही थी। तब अपर कलेक्टर ने भी उन्हें समझाया था, लेकिन वो नहीं माने थे। घटना द्वारकापुरा क्षेत्र के मंगलवार शाम की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कुंदन नगर में रहने वाले हेमंत डोलिया 35 वर्षीय और उसकी पत्नी पूजा 30 वर्षीय ने जेठ जितेश वाई अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उन्होंने विषाक्त पदार्थ लिया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद के चलते ही दंपति ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि विषाक्त पदार्थ के दौरान पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि पति का इलाज चल रहा है। इस घटना के दौरान पुलिस ने भी इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर दी है और वही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचने के बाद वीडियो के आधार पर ही माता पिता और अन्य भाई से भी पूछताछ की जा रही है। जल्दी इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।